आप देख रहे हैं मैक्स टेक्निकल न्यूज़ चैनल। अगर आपने मैक्स टेक्निकल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप जो कमेंट करते हैं ना, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा है तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन है वो भी दबा लें। आज हम बात करेंगे सॉलिड 63-63। जी हाँ, यह है सॉलिड का 63-63 सेट टॉप बॉक्स। ठीक है, इस बॉक्स में एक ऑप्शन है सेट फाइंडर का। जी हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ सेट फाइंडर। सबसे पहले हमें मेनू दबाना है, मेनू दबाने के बाद में हमें ऑप्शन मिलेगा लास्ट में सेट फाइंडर। ठीक है, अब सेट फाइंडर से मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना होगा, तो वीडियो पूरा देखें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। लेकिन उससे पहले हम सेटअप बॉक्स में वाईफाई डोंगल, जी हाँ ये वाईफाई डोंगल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है ना वाईफाई डोंगल है। ठीक है, ये आप कनेक्ट कर लें और वाईफाई डोंगल से सेटअप बॉक्स में नेट कनेक्ट कर लें। तो सबसे पहले हमें अपने मोबाइल में पर्सनल हॉटस्पॉट है वो ऑन करना है। उसके बाद में हमें, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लेफ्ट साइड करके हमें नेटवर्क सेटिंग मिलेगा, नीचे नीचे सिस्टम सेटिंग में नेटवर्क सेटिंग मिलेगा। ठीक है, सिस्टम सेटिंग में यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग मिलेगा, इसको ओके करें। ओके करने के बाद में देखो सबसे ऊपर है वाईफाई। ठीक है, अगर आपने वाईफाई नहीं लगाया तो लगा लें, फिर ये वाईफाई आ जाएगा। ठीक है, मोड ऑन होगा। ठीक है, उसके बाद में नीचे देखो ये कनेक्टेड है, अगर कनेक्टेड नहीं है तो प्रेस ओके करें। प्रेस ओके करने के बाद में ये कनेक्टेड हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो आप स्कैन करें। स्कैन कर लें, करने के लिए यहाँ पे येलो बटन है तो येलो बटन दबा लें। ठीक है, फिर स्कैन होगा। तो ये पहले से मैंने कनेक्ट किया हुआ है तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें सेट फाइंडर, ठीक है, अब सेट फाइंडर पे जाके हमें इसको ओके करना है। मैं यहाँ पे सेट फाइंडर पे ओके कर लेता हूँ। अब ओके करने पे देखो ये अपडेट दिखाएगा, अब ये कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं एक है डाउनलोड ऐप और एक है फाइंड सैटेलाइट। ठीक है, हमें फाइंड सैटेलाइट को ट्रैक करना है, लेकिन उससे पहले हमारे मोबाइल में DVB फाइंडर का ऐप होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे डाउनलोड करते हैं मैं यहाँ पे डाउनलोड कर के तो नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद में हमें DVB फाइंडर का नाम लिखना है, तो DVB फाइंडर ऐप आ जाएगा और फिर डाउनलोड आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद में हमें यहाँ पे लिखना है DVB फाइंडर। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, DVB फाइंडर आ गया ना, इसको ओके करें। DVB फाइंडर, ये DVB फाइंडर है। अब यहाँ अपडेट मुझे नहीं करना है, अपडेट तो मेरा है, तो आपके यहाँ पे अपडेट की जगह डाउनलोड का नाम आ जाएगा, तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं इसको मोबाइल में। उसके बाद में ये कैसे खुलेगा मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, कैसे हम इसको फाइंड सैटेलाइट से स्कैन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ यहाँ से। अब हमें DVB फाइंडर ऐसा मिलेगा, DVB फाइंडर, ठीक है, काइन मास्टर के आगे DVB फाइंडर है, इसको ओके करें। तो DVB फाइंडर यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सेटिंग है, देखो GPS टिप्स, हमें GPS लोकेशन देनी है तो सेटिंग कर लें, नहीं तो नो कर दें। ठीक है, उसके बाद में आप अलाउ भी कर सकते हैं, ब्लूटूथ को ओपन कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं कर लें, इसमें भी आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ऊपर है ब्लूटूथ के पास में एक ऑप्शन है, देखो ब्लूटूथ के बिल्कुल पास में ऑप्शन है, इस ऑप्शन में जाके हमें टच करना है। ठीक है, अब टच करने के बाद में कैमरा खुल जाएगा और ये फाइंड सैटेलाइट मैंने आपको बताया था ना, उसको स्कैन कर लेना है।
ठीक है। अब स्कैन करते ही देखो यहाँ पे जो ब्लूटूथ की जगह है एक टीवी की जो स्क्रीन से दिखाई दे रही होगी यहाँ पे ग्रीन हो रहा है। ग्रीन हो रहा है इसका मतलब ये कनेक्ट हो गया है सेटअप बॉक्स से। अब इसमें हमें मोबाइल में कैसे सिग्नल आएंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है सैटेलाइट NSS-6, ठीक है 95। अब इसकी जो एंटीना है ना, एंटीना की जो LNB फ्रीक्वेंसी 5750 है, इसकी जगह हमें करना है ओके करके चेंज करना है। देखिए 5150 की जगह हमें 9750 10600 पे क्लिक करना है, हो गया। अब यहाँ पे जो ऊपर है ना एंटीना कॉन्फिग, इसको ओके करें गुड वाले निशान को, तो यहाँ पे 9750 10600 और ये सिग्नल आ गए हैं, ठीक है 12403 हॉरिजॉन्टल 43,000 पे सिग्नल आ गए हैं। अब कौन से ट्रांसपोंडर मुझे लेने हैं उन पे चेक कर लेते हैं। 12688 हॉरिजॉन्टल 32,000, ठीक है इस पे ही मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे भी सिग्नल हैं और मैं चेक कर लेता हूँ 12688 वर्टिकल 27500 को ओके करता हूँ तो यहाँ भी मुझे सिग्नल बताएगा 100%। देखो मोबाइल में हमें 100% सिग्नल मिल रहे हैं तो 100% सिग्नल हैं, ठीक है। मैं दूसरे ट्रांसपोंडर स्कैन कर लेता हूँ यहाँ पे 12729 वर्टिकल 32700, इस पे देखते हैं कितने सिग्नल हैं। यहाँ पे मुझे 97 सिग्नल मिल रहे हैं। अब हमें ये करना कि हमें इसमें ट्रांसपोंडर ऐड कैसे करें। अगर नहीं है मान लो, मैं एक ट्रांसपोंडर ऐड करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं ना जो ब्लूटूथ के पास में एक है सैटेलाइट, ब्लूटूथ के पास पहले ब्लूटूथ था ना उसके पास में है। देखो अभी तो ग्रीन हो गया है, टीवी स्क्रीन दिखाई दे रही है LCD की, इसके पास में एक सैटेलाइट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करें, ठीक है। अब यहाँ पे सैटेलाइट लिस्ट खुलेगी तो हमें करना है NSS-6 जो कि 95 डिग्री पे है, वहां पे हमें ट्रांसपोंडर ऐड करने हैं उसी सैटेलाइट में। तो मैं यहाँ पे NSS-6 को ओके कर देता हूँ। ओके करते हैं यहाँ पे देखो ट्रांसपोंडर लिस्ट खुल रही है, ठीक है। जितने भी ट्रांसपोंडर हैं आप मैन्युअली, आपको पता है आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड करने के लिए ट्रांसपोंडर आगे देखो एक प्लस का निशान है, उसको हम ओके करेंगे तो यहाँ पे ट्रांसपोंडर लिस्ट आ गई है। आप सी बैंड का भी कर सकते हैं, के वी बैंड का भी कर सकते हैं। तो सी बैंड का तो यहाँ पे है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जो कट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 12464, ठीक है। अब सेम्बोलेट हमें करना है 43,000। अब इसको ओके करते हैं, वर्टिकल है तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल, ऐसे ट्रांसपोंडर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसपोंडर ऐड हो गया है यहाँ पे 12403 से ऊपर 12464, 43,000 हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब हमें देखना यह है कि क्या ये वहां पे मिलेगा हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12464 हॉरिजॉन्टल, 43,000 यहाँ पे मिल गया और सिग्नल भी यहाँ पे आ गए हैं। इसी तरह से आप सैटेलाइट का नाम भी ऐड कर सकते हैं और ट्रांसपोंडर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ सैटेलाइट का नाम ऐड होता है या नहीं। यहाँ सैटेलाइट का नाम सैटेलाइट के आगे यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे आप सैटेलाइट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप बैक आ सकते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरे जो ट्रांसपोंडर हैं वो भी देख लेता हूँ। यहाँ पे डीडी फ्रीडिस हमें देख लेना है इस पे सिग्नल है या नहीं, GSAT-15, ठीक है। अब GSAT-15 पे भी सिग्नल है, 11470 पे भी है और एक जो MPEG-4 की जो फ्रीक्वेंसी है ना 11630 वर्टिकल 30,000, इसको ओके करते हैं तो इस पे भी मुझे सिग्नल मिल रहे हैं, ठीक है। मैंने दोनों सैटेलाइट एक ही डिस्प्ले सेट किए हुए हैं। तो इस तरह से आप आसानी से डिश सेट कर सकते हैं अपने मोबाइल में, मोबाइल से देख के, मतलब ये डीवी फाइंडर हो गया।
मोबाइल आप छत के ऊपर ले जाएं और जहां डिश है वहां पे आप इसमें सिग्नल देख के आसानी से डिश सेट कर सकते हैं। अगर आपने मैक्स टेक्निकल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैक्स टेक्निकल न्यूज चैनल पे आपको कभी कोई फेक जानकारी या फेक वीडियो नहीं मिलेगा। थैंक यू।